जयशंकर प्रसाद की कहानी विजया। कमल का सब रुपया उड़ चुका था, सब संपत्ति बिक चुकी थी, मित्रों ने खूब दलाली की, न्यास जहां रखा वहीं धोखा हुआ। जो उसके साथ मौज मंगल में दिन बिताते थे, रातों का आनंद लेते थे, वे ही उसकी जेब टटोलते थे। उन्होंने कहीं पर कुछ भी बाकी न छोड़ा। सुख भोग के लिए जितने आविष्कार थे, साधन पर सबका अनुभव लेने का उत्साह ठंडा पड़ चुका था। बच गया था एक रुपया। युवक को उन्मत्त आनंद लेने की बड़ी चाह थी। बाधा विहीन सुख लूटने का अवसर मिला था, सब समाप्त हो गया। आज वह नदी के किनारे चुपचाप बैठा हुआ उसी की धारा में विलीन हो जाना चाहता था। उस पार किसी की चिता चल रही थी जो दूसर संध्या में आलोक फैलाना चाहती थी। आकाश में बादल थे, उनके बीच में गोल रुपए के समान चंद्रमा निकलना चाहता था। वृक्षों की हरियाली में गांव के दीप चमकने लगे थे। कमल ने रुपया निकाला। उस एक रुपए से कोई विवाद न हो सकता, वह मित्रों के साथ नहीं जा सकता था। उसने सोचा, इसे नदी के जल में विसर्जन कर दूं। साहस न हुआ, वही अंतिम रुपया था। वह स्थिर दृष्टि से नदी की धारा देखने लगा। कानों से कुछ सुनाई न पड़ता था, देखने पर भी दृश्य का अनुभव नहीं। वह स्तब्ध था, जड़ था, मुक्त था, हृदयहीन था। माँ कुलता दिला दे, दशमी देखने जाऊंगा, मेरे लाल में कहां से ले आऊं, पेट भर अन्न नहीं मिलता। नहीं नहीं, रो मत, मैं ले आऊंगी, पर कैसे ले आऊं। हाँ, उस छलिया ने मेरा सर्वस्व लूटा और कहीं का न रखा। नहीं नहीं, मुझे एक लाल है, कंगाल का अमूल्य लाल, मुझे बहुत है। चलूंगी जैसे होगा, एक कुर्ता खरीदूंगी, उधार लूंगी। दसवीं विजयादशमी के दिन मेरा लाल चितड़ा पहन कर नहीं रह सकता। पास ही जाते हुए माँ और बेटे की बात कमल के कान में पड़ी। वह उठकर उसके पास गया। उसने कहा, सुंदरी। बाबूजी, आश्चर्य से सुंदरी ने कहा। पालक ने भी स्वर मिलाकर कहा, बाबूजी। कमल ने रुपया देते हुए कहा, सुंदरी, यह एक ही रुपया बचा है, इसको ले जाओ, बच्चे को कुर्ता खरीद लेना। मैंने तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय किया है, क्षमा करोगी। बच्चे ने हाथ फैला दिया। सुंदरी ने उसका नन्हा हाथ अपने हाथ में समेट कर कहा, नहीं, मेरे बच्चे के कुर्ते से अधिक आवश्यकता आपके पेट के लिए है, मैं सब जानती हूँ। मेरा आज अंत होगा, अब मुझे आवश्यकता नहीं, ऐसे पापी जीवन को रख कर क्या होगा। सुंदरी, मैंने तुम्हारे ऊपर बड़ा अत्याचार किया है, क्षमा करोगी। आह, इस अंतिम रुपये को लेकर मुझे क्षमा कर दो, यह एक ही सार्थक हो जाए। आज तुम अपने पाप का मूल्य दिया चाहते हो, वह भी एक रुपया, और एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। सुंदरी, लाखों उड़ा दिया है, मैं लोभी नहीं हूँ, विधवा के सर्वस्व का इतना मूल्य नहीं हो सकता। मुझे धिक्कार दो, मुझ पर थूको, इसकी आवश्यकता नहीं। समाज से डरो मत, अत्याचारी समाज पाप कहकर कानों पर हाथ रखकर चिल्लाता है। वह पाप का शब्द दूसरों को सुनाई पड़ता है, पर वह स्वयं नहीं सुनता। आओ चलो, हम उसे दिखा दें कि वह भ्रांत है। मैं चार आने का परिश्रम प्रतिदिन करती हूँ, तुम भी सिल्वर के गहने मांझ कर कुछ कमा सकते हो। थोड़े से परिश्रम से हम लोग एक अच्छी गृहस्थी चला देंगे, चलो तो। सुंदरी ने दृढ़ता से कमल का हाथ पकड़ लिया। बालक ने कहा, चलो ना बाबूजी। कमल ने देखा चांदनी निकल आई है, उसने बालक के हाथ में रुपया रखकर उसे गोद में उठा लिया। संपन्न अवस्था की विलास वासना अभाव के थपेड़े से पुण्य में परिणत हो गई। कमल पूर्व कथा विस्मृत होकर क्षण भर में स्पष्ट हो गया, मन हल्का हो गया। बालक उसकी गोद में था, सुंदरी पास में, वह विजयादशमी का मेला देखने चला। विजय के आशीर्वाद के समान चांदनी मुस्कुरा रही थी। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं समाप्त होती है।